माननीय उमा शंकर सिंह जी, मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा और क्योंकि मुझे लगता है कि जिस प्रश्न को लेकर के जिस विषय को मैं लेके आया हूं, अगर इस विषय को मैं ये कहूं कि आपके पीठ के ही द्वारा 3 साल पहले परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का तैलीय चित्र इस मंडप में लगाने की बात स्वीकृत हुई थी, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी वह पीठ का जो आदेश था, माननीय हमारे पूर्व अध्यक्ष जी ने उसे स्वीकार किया, अपने सचिवालय को निर्देश दिया, सरकार को भी निर्देश दिया कि यह लगाया जाए, ठीक सामने की बात हुई थी। फिर जब 1 साल बीत गया, फिर दोबारा मैं जब लेके आया तो फिर माननीय अध्यक्ष जी ने, पूर्व अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई लगा क्यों नहीं, हमसे कहा कि उमाशंकर जी यह लगेगा, इसकी तैयारी हो रही है। फिर तीसरी बार फिर आया तो उन्होंने नाराजगी जाहिर की और आज मुझे फिर विवश होकर अब 18वीं जो 17वीं बीत गई उसके बाद फिर 18वीं विधानसभा में मुझे उस प्रश्न को लेकर आना पड़ रहा है, जिसके लिए आज सारे लोग व्याकुल हैं, बाबा साहब के आज सारे लोग भक्त हो गए हैं, लेकिन इस बात को कोई मतलब पालन करने में कोई रुचि नहीं दिखा रहा है कि इस मंडप में बाबा भी साहब भी आर अम्बेडकर जी का भी तैली चित्र लगे। तो माननीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि यह जो नियम 300 की जो व्यवस्था दी गई है, इससे ग्राह्य और इससे ग्राह्यता स्वीकृत करने के लिए कोई उपयुक्त प्रश्न नहीं हो सकता है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा और चाहूंगा कि पूर्व के द्वारा आपके पीठ द्वारा दिए गए आदेश का अनुपालन कब तक हो जाएगा, क्योंकि सदन भी अवगत हो जाए। माननीय मंत्री जी,